राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने 22 जिलों में 1882 करोड़ की लागत वाली 166 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुल बजट का 34.5% विकास योजनाओं के लिए सरकार ने तैयार किया है और साथ ही अच्छे कार्य करने वाले विभागों को फंड उपलब्ध कराने की योजना को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास की के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं, और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में एक हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले प्लानिंग करने वाले लोग हैं और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है, कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है उसको अलग से एक उसका फंड क्रिएट किया और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ। तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है उसको वहां उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं ताकि काम किसी का रुके नहीं। एक बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है। आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो उद्घाटन शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए, अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी।
विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।